देश के कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया। इस मौके पर खुद केंद्र कम्युनिकेशन मंत्री रविशंकर प्रसाद जी मौजूद थे। वहीं मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया वीक की भी तारीफ की। इस अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक यानी 1 जुलाई 2015 के दौरान किए थे। आखिरकार इस फंड को मुंबई के एक होटल में इसे लॉन्च किया गया। ऑपरेटर्स की तारीफ करता हूं कि देश भर में उन्होंने मोबाइल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया। वहीं मैं एक बात ये भी कहता हूं, उनकी सेवा अच्छी होनी चाहिए और इस मामले में मैंने कुछ बहुत ही सख्त कदम उठाए थे और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग के प्रयास के कारण पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने देश भर में लगभग 34,000 नए BTS लगाए और दिल्ली में लगभग 2,000 से अधिक लगे और लगाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर उन्होंने देश में कनेक्टिविटी लाई है तो सेवा भी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक ट्राई ने उनके ऊपर जो एक प्रकार से लगाया डिफेंस सेंटर, मैटर कोर्ट में है, फैसला लंबित है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मैंने बार बार कहा है कि मैं इस देश के टेलीकॉम का मंत्री हूँ, मैं इस देश के उपभोक्ताओं का भी मंत्री हूँ, टेलीकॉम का उपभोक्ता, इसलिए उनकी सेवा अच्छी हो इसकी चिंता करनी है हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स को। काफ़ी उन्होंने काम किया है, अच्छी बात है और मजबूती से काम।